टीवी वाले ने हमसे कुछ दिन पहले पूछा कि एक बार आप बिना टिकट पकड़े गए हो ट्रेन में। हमने कहा बात तो तुमने सही सुनी कि हम एक बार बिना टिकट के ट्रेन में पकड़े गए हैं, पर जिस टीटी ने पकड़ा था उसी से 1100 रुपया लेकर उतरे थे। हाँ, जिसने पकड़ा था उसी से 1100 लेकर, और भगवान की कृपा तब सिद्धि हमारे पास आ चुकी थी। और जैसे ही ट्रेन में चढ़े, अब वो बाकी ऐसा है कि हमारी एक बार जेब कट गई मथुरा में। महाराज जी को हमने बताया था, लोग हमसे पूछ रहे कि वो क्या बाकिया। एक बार हमारी जेब कट गई मथुरा में जंगसन पर, हमारी कट गई। उस वक्त हनुमान जी छोटे से लेकर हम चलते थे, अब कट गई तो कट गई, जेब ही तो 1300 रुपया गए। एक मोबाइल था नोकिया का जिसमें सांप सीढ़ी खेलती थी, उसमें सांप चलता था, बहुत लंबा सांप हो जाता फिर वो टकरा जाता था। हमें आज भी याद है वो 4 बटन से सांप चलता था, वो गोला खाता था, बढ़ता जाता था, साइज बढ़ती जाती थी। और इससे अच्छा तो हमें वो उस मोबाइल का सांप बहुत अच्छा लगता था, कम से कम खाता था तो बढ़ता तो था। आज कई लोगों के बड़े बड़े खाते बढ़ नहीं रहे, कई लोगों के तो इतने खाते बढ़ नहीं रहे। तो वो मोबाइल था, वो भी गया चोरी में, वैसे जेब कट गई। चोरों का हमारा पुराना नाता है। अब सोचा कि ट्रेन की टिकट पैसे ही नहीं है, टिकट कौन कटवाए। हमने भीतर ही भीतर, अब ऐसा नहीं है कि हमारी कोई हनुमान जी से बात होती है, नहीं, भीतर ही भीतर हम मन में बात करते हैं, और भीतर ही कोई जवाब हमें देता है, हमें ये भरोसा वो हनुमान जी है। हमने कहा कौ बजरंग बली, टिकट ही नहीं है, रुपया भी नहीं, अब कैसे चलेंगे। भीतर से बोले एसी में चलेंगे। अब जब उन्होंने ही कहा तो क्या करें, हमने भी पढ़े लिखे तो थे, एसी A1 डब्बा पड़ा, A1 रेलगाड़ी आई, रात का समय चढ़ गए, एसी फुल, कोई सीट नहीं, बाथरूम के पास आकर खड़े भए। ऐसे हमारे जैसे लोगों को ऐसे ही खड़ा होने मिलता है, लेकिन एसी में थे, वो एसी का मजा ना ले। हम बहुत समझदार आदमी बचपन से ही हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम एसी का बार बार गेट खोलकर एसी की हवा लें, बंद कर दें, फिर खड़े हो जाएं। बाहर में गया हूं, एसी में आए, एसी का मजा नहीं लिया तो क्या काम का। तो बार बार खेलो खोले, और लोग जो लेटे थे वो देखे कि कर क्या रहा, लेकिन हमने कहा तुम सो, कुछ ऑक्सीजन लेवल फिट कर रहे हैं। खोले फिर टीटी आया, आज भी हमें याद है अमर सिंह, टिकट। हमने कहा टिकट होती तो यहां खड़े होते, भाई साहब कहकर तुम जगाते, हम सीट पर होते। होने लगा तब आयु हमारी यही कोई 14-15 साल की। उन्हें लगा कि ये कोई बच्चा है, बेटा ये एसी का डब्बा है, आगे ट्रेन रुकेगी, जनरल में चले जाना। उसने हमको ये सलाह दी, लेकिन हम सलाह किसकी माने। हमने कहा एसी में ही, जनरल में ही जाना होता तो एसी में आते, तब तो फिर वो अंग्रेजी बोलने लगा टीटी। 1250 रुपये, 1250 रुपया फाइन लगेगा, 6 माह जेल होगी, रुपया भरना पड़ेगा, ये वो दुनियादारी। हमने ही कहा 1300 थे सो कट गए, अब तो बचे ही नहीं। वो नहीं माना, उसने कोर्ट से मोबाइल निकाला। हमने सोचा कि अगर इसने मोबाइल निकाला, पुलिस को बुलाया, बेइज्जती हो, उसके पहले ही हमने डब्बा खोला कि बेइज्जती करवाओगे क्या। डब्बा मतलब छोटा सा, हम एक टिफिन रखते थे उसमें बालाजी रखते थे, हमने वो खोला, हमका बेइज्जती करवाओगे क्या। अब वो अपने मोबाइल में फंसा ही था, हमने कहा क्यों, तुम्हारा नाम अमर सिंह है, तो उसको लगा कि ये पढ़ लिया। उसने बड़े, हमें आज भी याद है उसकी टोन, उसने बड़ी टोन में बोला है तो, हमने कहा तुम्हारे बाप का नाम अमुक सिंह है। अब तो वो न्यूट्रल हो गया, उसने कहा कि तुझे कैसे पता। अरे हमने कहा हमें तो ये भी पता है कि तेरे कोई लड़का नहीं हो रहा है, ये भी पता है कि तेरी लुगाई का नाम सविता है। सब बोल्ड आउट, मोबाइल अंदर वापस, धीरे से कहता है बिहार के होगा,
अब उस जमाने में हमारा कोई आधार कार्ड नहीं था, स्कूल का सर्टिफिकेट में वो स्कूल का एक आइडेंटिटी कार्ड होता था, हमने वो पढ़वाया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, हमने वो पढ़वाया। वो बोला तुझे कैसे पता? हमने कहा 10 साल से हैरान हो, तुझे कैसे पता? हमने टिफिन खोला, सब बब्बा के डब्बा का चमत्कार। हमें आज भी याद है, आज भी हमें याद, उसने यहां पकड़ा बगल में, भीतर ले गया डिब्बे में। हमका कहा, हमें लगा कि शायद अब जेल गए। वो बोला चलो ना, अपनी सीट एकदम बगबगी सफेद उसकी एकदम साफ विराजी। हम भी वृंदावन के थके हुए धरे थे, हमने भी दोनों पांव पसारे बैठ गए। और वो तो बोला चाय लेंगे? हमका नो, कॉफी। चाय कौन पिए? फिर टिकट देखना बंद, पूछ कौन रहा कि हम कहां से चढ़े और कहां उतरेंगे, उसका तो दिमाग खराब। सुबह 6 बजे जब झांसी रेलवे स्टेशन आई, गुरुजी हमका जाओ पुत्र होगा। उसने 1100 निकाले, कुछ दक्षिणा स्वीकार करो। हमका बाहर में गया, 1300 गए, 1100 आ गए, 200 टिकट के गए लिया। ये 14-15 साल में ही कर चुके थे कांड, अब ऐसे कोई कांड नहीं है, पर हो गया था। तो किसी ने हमसे पूछा था कि आप बिना टिकट ट्रेन में पकड़े गए, हमने कहा ये तो किसी को बता ही नहीं कि हम 1100 लेकर उतरे थे। वैसे आज भी वो हमारा चेला है, भगवान की कृपा से उसके बेटा भी हो गया है 5-6 साल का। और अभी आप रुकिएगा, उसकी आयु पूछिएगा, 52 साल में बेटा हुआ है। आज भी वो दक्षिण रेलवे में हमारा चेला है, बिहारी आदमी हमारा चेला है। उस दिन के बाद जब बेटा हुआ वो हमारा, फिर आना जाना उसका शुरू हो गया। हम भी झांसी से रेल ट्रेन से उतरे, वो बस पर बैठकर बागेश्वर धाम, आना जाना उसका शुरू हो गया। अब एक दिन वो कह रहा था हमसे कि आपके जैसा कोई दिखता है तो हम टिकट चेक नहीं करते गुरु जी। हमने उसको ये एडवाइस भी दी कि सुन, चेक करना भी मत, वो तो हम थे जो 1100 लेकर उतरे।